नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बीपीएससी पेपर लीक के बारे में। बिहार लोकसभा आयोग द्वारा 8 मई को विभिन्न पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका प्रश्न पत्र वायरल हो गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है वह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर को अगर हम माने तो प्रश्न पत्र को वायरल इसलिए करवाया गया था ताकि परीक्षा को कैंसिल करवाया जा सके। बता दें कि इस पूरे मामले पर आर्थिक अपराध इकाई एक एक पॉइंट पर जांच कर रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई चेहरे इस जांच में सामने आ सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा जांच मामले में कई नए खुलासे होने वाले हैं। हालांकि एक बात की आशंका जताई जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लाखों रुपये लेकर परीक्षा पास कराने की बात कही गई थी, लेकिन सेटर के पास सही समय पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया, या फिर हम कहें कि एक साथ कई प्रश्न पत्र उन्हें मिल गए जिसमें यह तय नहीं हो पाया कि कौन पेपर किस छात्र के पास जाएगा। ऐसे में उनके सामने एक ही विकल्प बचा था, किसी तरह से पेपर को आउट होने की खबर लगाया जाए। ऐसे में सेटर्स ने बड़े ही चालाकी से प्रश्न पत्र को वायरल करवाना शुरू कर दिया। आर्थिक अपराध इकाई की एसआई टीम लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी परीक्षा जांच को लेकर कई सवालों का जवाब खोज रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब वह जरूर जानना चाह रही है कि आखिर सेटर्स ने क्यों परीक्षा को कैंसिल करवाना चाहा। इस पूरे मामले में जांच में आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार का नाम सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई ने इनसे पूछताछ की है। हालांकि उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया गया है, उन्हें अभी जांच के दौरान रखा गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी की नज़र कई लोगों पर है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह बताया जा रहा है कि जिस दिन पेपर लीक हुआ था उस दिन कृष्ण मोहन सिंह और आईएएस अधिकारी के बीच में 10 बार फोन पर बातचीत क्यों हुई थी। बातचीत के समय सीमा भी लंबी रही थी। आपको बता दें कि कृष्ण मोहन सिंह आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार के दोस्त हैं, वो एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने कई सवालों का जवाब घुमा फिरा कर दिया। इधर ईओयू का कहना है कि कृष्ण मोहन सेटर्स गैंग का एक्टिव मेंबर है। जांच की टीम ने जब उनसे जानना चाहा कि आप प्रश्न पत्र को क्यों वायरल किए थे, उसने जवाब में कहा कि वो एक देश का अच्छा नागरिक है। मीडिया में चल रही खबरों को माने तो यह भी बताया जा रहा है कि कृष्ण मोहन और आईएएस अधिकारी के बीच में पिछले 18 सालों से दोस्ती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि दोनों दिल्ली में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। आर्थिक अपराध इकाई की जाँच में यह बात सामने आ चुकी है कि कृष्ण मोहन और सेटर आनंद गौरव के बीच में दोस्ती थी, और वो भी लंबे समय से। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में जांच के बाद कई परतें खुलेंगी और कई चेहरे बेनकाब होंगे। तो एक तरह से कह लें कि जिस तरह से बीपीएससी के प्रश्न पत्र बाहर हुए, यानी कि लीक हुए, उसके वायरल किया गया, एक तरह से कह लें कि छात्रों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। ऐसे में अब देखना है कि कितने चेहरे इस पूरे वायरल प्रश्न पत्र में निकल कर सामने आते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।